करेंगे रामपुर में दिल्ली लखनऊ हाईवे 24 पर एक लोडर और बुलेरो के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई है और इस भीषण हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत भी हो गई है जबकि 18 लोग जख्मी हो गए हैं। पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया है जबकि शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम की तैयारियां की जा रही है। हादसा सिविल लाइन थाना इलाके के पसियापुरा गांव के पास का बताया जा रहा है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, भयावह ये मंजर, दर्दनाक हादसा जिसमें लोगों की मौत भी हो गई है, 5 लोगों की मौत हो गई है, कई इसमें घायल बताए जा रहे हैं और तस्वीरों को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा यह हादसा होगा। जबरदस्त टक्कर हुई थी और इसमें 5 लोगों की मौत हो गई है, 8 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और सभी का इलाज अस्पताल में फिलहाल जारी है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, एक बड़ा सड़क हादसे में 5 की मौत हो गई है, इसके साथ ही 8 गंभीर रूप से जख्मी हैं जिनका इलाज अस्पताल में जारी है। सैयद अमर हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गया है। सैयद, अभी क्या हालात बने हुए हैं घायलों के, वजह इसके पीछे की क्या रही टक्कर की, ये भी बता के। थाना सिविल लाइन की घटना है, NH 24 जो नेशनल हाईवे है वहां पर ये पिकअप में सवार थे लोग और गाजियाबाद से शाहजहांपुर के लिए ये लोग जा रहे थे। रामपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में ये भीषण हादसा हुआ है जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है और जो घायल हैं उनको जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है। आमने सामने की ये टक्कर थी इसलिए जो है कैजुअलिटी यहाँ पर ज्यादा हो गई है, लेकिन फिलहाल जो घायल हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि उनकी भी स्थिति गंभीर है। एक जो बच्चे है वो अस्पताल में उसकी मौत हुई है इलाज के दौरान, 4 लोगों की मौत मौके पर हो गई थी लेकिन जो बच्ची काफी सीरियस थी तो इसलिए वहां पर उसकी मौत हो गई थी। जिन लोगों की मौत हुई है 4 लोगों की उनकी डिटेल आ चुकी है। ये चारों जो लोग हैं ये शाहजहांपुर के रहने वाले हैं, इनमें आशीष, राहुल, मुन्नी देवी और पूनम इनके नाम है। कि ये एक बड़ा हादसा और 18 लोग इसमें जख्मी हो गए हैं, इसमें से कोई गंभीर रूप से घायल है क्या? देखिए अभी जो है घायलों की जो घायल जो है उनका इलाज चल रहा है क्योंकि उनके सर पे चोटें हैं। इस तरह की जो कैजुअलिटीज होती हैं उनमें जो सर पे चोटें होती हैं वो दिखती कम है लेकिन उनका असर ज्यादा होता है, तो अभी उनका इलाज चल रहा है। ठीक है, जैसे कि तस्वीरें हम देख पा रहे हैं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है काफी भयावह ये मंजर, बड़ा हादसा होगा। आसपास के इलाके में किस तरह की माहौल देखने को मिल रहा है, क्या ट्रैफिक जैम हो गया है, क्या उसको उस पूरे रोड को क्लियर करवा लिया गया है? जी हाँ, पूरा रोड जो है क्लियर है क्योंकि ये हाईवे है, ऐसा कंजेस्टेड इलाका नहीं है जहाँ पर जाम की स्थिति पैदा हो, क्योंकि बाईपास का पूरा इलाका है तो जो इलाका है वो खाली कर जो है चालू है। शोकुन गौतम रामपुर के SP हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, एक बड़ा ये हादसा हो गया है, 5 लोगों की मौत हो गई है इस पूरे मामले में, अभी फिलहाल किस तरह की परिस्थिति वहां देखने को मिल रही है? ये एक बुलेरो में और एक छोटा हाथी में एक्सीडेंट हुई, आमने सामने की भिड़ंत थी, इसमें 4 एडल्ट और एक बच्चे की मौत हो गई है। कुछ लोग घायल हैं, उसमें कोई सीरियस नहीं, उनका हम इलाज करा रहे हैं और जो भी इस पे आगे की कार्रवाई है वो कराई जा रही है। ठीक है, क्योंकि जानकारी ये भी मिल रही है कई बार ऐसे हादसे हाईवे पर होते रहते हैं, इसको लेकर कुछ प्रबंध आपकी तरफ से किया गया है प्रशासन की तरफ से? हमारी तरफ से हाई पेट्रोलिंग रहती है, हम लोग कोशिश करते हैं कि इस पे ओवर स्पीडिंग ना हो, स्पीड करने उस समय भी कराते हैं। इसमें भी तो एक्सीडेंट हुआ, इसमें एक गाड़ी रॉन्ग साइड ले जाने की कोशिश कर रहा था, इस वजह से हुआ। तो अगर ड्राइवर अपना रूल्स फॉलो करें और अगर सही चले तो एक्सीडेंट अक्सर नहीं होते, बट जब भी कोई जानबूझ के ओवरटेकिंग के लिए या रॉन्ग साइड जाने की कोशिश करते हैं तो हाईवे पे हाई स्पीड ट्रैफिक रहता है, इस वजह से एक्सीडेंट की संभावना बन जाती है। ठीक है सर, लेकिन आप नॉर्मल आवागमन के लिए रास्ता क्लियर अभी फिलहाल हो गया क्या? रास्ता बिल्कुल क्लियर है, कोई जैम नहीं। ठीक है, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तस्वीरें देख सकते हैं आप, एक बड़ा हादसा निश्चित तौर पर, अभी बताया जा रहा है कि इस पूरे रास्ते को क्लियर कर लिया गया है ताकि सुचारू रूप से आवागमन दोबारा से हो सके, लेकिन 5 लोगों की मौत हो गई है, 18 जख्मी इसमें बताया जा रहा है, सभी का इलाज जारी है, अभी इसमें किसी का अभी सीरियस कंडीशन नहीं है, गंभीर रूप से कोई भी अभी जख्मी नहीं बताया जा रहा है, सभी का इलाज चल रहा है, लेकिन रफ्तार का कहर और ये निश्चित तौर पर सजग करने वाली खबर इसलिए भी क्योंकि स्पीड ओवर स्पीड की वजह से अक्सर ये हादसे हो जाते हैं और हाईवे पर जब भी आप गाड़ी चलाएं सावधानी बरतें, ऐसे हादसे अक्सर हाईवे पर देखने को मिलते हैं। एक बड़ा हादसा, 5 की मौत हो गई, सभी शवों का पोस्टमार्टम अभी करवाया जा रहा है।